मणिपुर में जिंदगी कुछ ऐसे ही ठहर सी गई है। हर लाश एक सवाल है मणिपुर के हालात पर। लोग लड़ रहे हैं, उनके पास हथियार हैं। नहीं, ये वाक्य दोबारा बोलना होगा। उनके पास हथियार हैं, वो हथियार जो सुरक्षा बलों के पास होने चाहिए थे ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। ये हथियार कैसे इन लोगों के पास आए, क्यों इसे रोका नहीं जा सका, कैसे हथियार लूटे गए और उनका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जा रहा है, आखिरकार सरकार और सुरक्षा बल इनके सामने इतने कमजोर क्यों पड़ गए, क्यों हथियारों का लूटना बंद नहीं हुआ। ये सेकंड रिजर्व बटालियन का वो कैंप है पूरा जहां पर उपद्रवियों ने लूटपाट मचाई। और ये हुआ कैसे, इसके ये गेट है, अभी तो ये गेट बंद है, हम आए हैं तो इस गेट को खोला नहीं जा रहा है क्योंकि जब से ये घटना हुई है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा, इस गेट को गार्ड करने का जिम्मा जो है वो दिया गया है BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। पहले ये RBI के पास होता था, सेकेंड इंडियन रिजर्व बटालियन के पास था। ये निशान देखिए आप किस तरह से इस गेट को तोड़ा गया, ये एक छोटा गेट बना हुआ है बीच में और इसके इसको ये नीचे से ये कंट्रोल करता है जहां सीमेंट लगा हुआ है, ताजा सीमेंट लग रहा है। और ये जो है ये देखिए पांव के निशान देख रहे हैं आप, इसको तोड़कर अंदर घुसे और अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन की पूरी आर्मरी यानी जो हथियार रखे जाते हैं और जवान अंदर रहते हैं वो हैं। और ये खेतों के बीचों बीच पहाड़ी के अगले हिस्से पर ये पूरा कैंप बना हुआ है। हालांकि अब कैंप में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है जिस तरह के हालात हैं, बट ये समझाते हैं आपको कि हुआ क्या। सुबह तकरीबन 9:45 का टाइम था, जिस तरह से कि इंडियन रिजर्व बटालियन के कमांडोज होते हैं उस तरह की पोशाक पहनकर, उस तरह की वर्दियां पहनकर यहां पर 3 जिप्सियों में सवार कुछ लोग आए। जो गार्ड यहां ड्यूटी दे रहा था उस गार्ड ने ये छोटे वाला दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही ये दरवाज़ा खोला उसके बाद पूरा गेट नहीं खोला, ये बीच में एक एक आदमी के आने जाने के लिए जो छोटा गेट रखा हुआ है इसको खोला और इसके बाद पीछे से 500-600 की भीड़ आई और सब लोग अंदर घुस गए। कि तकरीबन 150-160 के करीब जवान अंदर थे, लेकिन जो बाहर से भीड़ गई और जो कमांडो की वर्दी डालकर उपद्रवी यहां पहुंचे थे उन्होंने पूरे कैंप पर एक तरह से कब्जा कर लिया और हथियारों की लूट शुरू कर दी। हालांकि यहां के अधिकारी ये कह रहे हैं कि तब जो सुरक्षा बल के जवान अंदर मौजूद थे उन्होंने गोली चलाई, लेकिन उपद्रवियों को उनका कोई डर नहीं था, उनको ओवरपावर कर लिया गया या जो सरकारी हथियार अब उनके हाथों में आ गए हैं। और 19,000 बुलेट्स थोड़े नहीं होते, जिसमें कार्बाइन के भी हैं, AK-47 के भी हैं, सेल्फ लोडिंग राइफल जिसे हम SLR बोलते हैं, बड़ा हथियार होता है, उसके भी हैं, 9mm के भी हैं। ये तमाम हथियारों को गोली चाहिए होती है और गोलियाँ बड़ी संख्या में ली गई हैं। 124 हैंड ग्रेनेड हैं, घातक राइफल हैं, MP5 गन्स लूटी गई हैं यहाँ से, जो अधिकारी बता रहे हैं हमें मौके पर यहाँ पर सूचना दी है। हालांकि वो कैमरा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां से कहते जब वो वापिस आए हथियार लेके तो यहां और गाड़ियां पहुंच चुकी थी उपद्रवियों की और उन्होंने वो सारे हथियार उनमें लोड किए और वो लेकर यहां से चले गए। बहुत बड़ा सवाल है कि किसी भी IRB के कैंप में इस तरह से घुसकर हथियारों को लूटना और बिना किसी नुकसान के, नुकसान मतलब जो लूटने आए थे उनको 5-4 को अगर गोली लगती तो ये मान भी लेते कि मुकाबला किया गया, लेकिन वो हथियार लेके चले गए, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी हमने इनको पूछा कि इतने हथियार लूटे गए रिकवर हुआ कुछ, कहते हाँ खेतों से शायद 18-20 हथियार रिकवर हो गए हैं। अब मान लीजिए कि सैकड़ों हथियार लूटे गए और उसमें से 10-20-15 अगर रिकवर हो भी गए तो वो कोई मायने नहीं रखते। बड़ा सवाल ये है कि उपद्रवियों के हाथ में सरकार के या सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने हथियार चले गए हैं कि वो इस पूरी हिंसा को काफ़ी लंबे अरसे तक और कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे जारी रख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, यहां देखिए कोई मुझे CCTV भी नज़र नहीं आ रहा है, किसकी पहचान करेंगे, कोई CCTV नहीं लगा हुआ है यहाँ पर कहीं भी, बाहर से लेकर अंदर तक मैं देख रहा था कि किसी CCTV में कुछ आ जाए। हाँ, इसमें बदलाव जरूर कर दिया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अब लगा दिया गया है ताकि वो इन कैंप्स को गार्ड करे, लेकिन बड़ा सवाल कि अगर इस तरह से हथियार लूटे जाते रहे तो फिर इस हिंसा में उनका इस्तेमाल होगा और इस हिंसा को रोकना और मुश्किल होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।